मैक्रोइकोनॉमिक्स बिकॉज योर पेपर नेम इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स वन। आप पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स में देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आखिर इकोनॉमिक्स में ये मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होती है। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की मेनली टू ब्रांचेज होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा इंडिविजुअल यूनिट से डील करती है, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्तिगत इकाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होल यूनिट से रिलेटेड होती है। अगर आप पूरे देश के बारे में स्टडी करना चाहते हैं या पूरी होल इकोनॉमी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे बेस्ट है। अगर आपने किसी एक व्यक्तिगत इकाई या किसी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करनी है तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बेस्ट माना जाता है। इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स को जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, तो उसकी ब्रांचेस में ही दो ब्रांचेस आती हैं, एक माइक्रो और एक। देखिए जनरल इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है इट्स नॉट अ साइंस, इट्स नॉट अ प्योर साइंस, इट्स नॉट अ नेचुरल साइंस। इकोनॉमिक्स एक ना तो प्योर साइंस है, शुद्ध विज्ञान है, ना ही इसे हम प्राकृतिक विज्ञान कह सकते हैं। ये क्योंकि इकोनॉमिक्स जनता से, लोगों से डील करती है, इसलिए इकोनॉमिक्स को कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं पूरी होल सोसाइटी में कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, एवरीवेयर ह्यूमन बींग्स, तो आपको पूरे संसार में लोगों से ही संसार बना है, देश बना है और जिला बना है या कोई गांव बना है, यानी कि इंसान, इंसानों में कंज्यूमर्स भी आते हैं, प्रोड्यूसर्स भी आते हैं। जो चीजें उत्पादित करते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, जो चीजों को कंज्यूम करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो कंज्यूमर्स कहे जाते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनुष्य के अंतर्गत हम उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही प्रकार के लोगों को शामिल करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स से ही आप जान सकते हैं कि पूरे देश और दुनिया में किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। और इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, दो शाखाएं हैं जो मुख्य रूप से हैं। वैसे तो इकोनॉमिक्स की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जिसमें कृषि अर्थशास्त्र जो कृषि से रिलेटेड होता है, ऐसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार पब्लिक इको होता है जिसके अंतर्गत सरकार के वित्त और राजस्व का अध्ययन किया जाता है कि पब्लिक कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स किन किन चीजों पर करती है। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन दो मेन ब्रांचेस हैं, उसमें एक ब्रांच है माइक्रो और एक है मैक्रो। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी स्पेलिंग है MICRO, लेकिन ये दोनों ही जो शब्द है ना, MICRO मैक्रो और MICRO माइक्रो, ये दोनों ही ग्रीक लैंग्वेज में इनसे डिराइव किए गए हैं, यानी कि इन दोनों शब्दों को कहां से प्राप्त किया गया है, ग्रीक वर्ड से प्राप्त किया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रो को कहते हैं माइक्रोस, MICROS, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल या छोटा। तो नाम से ही क्लियर है, जिसमें व्यक्तिगत या स्मॉल यूनिट्स की स्टडी की जाए उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और मैक्रो जो है ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, MAKROS, मैक्रोस, जिसका मतलब होता है बिग या लार्ज। तो नाम से ही क्लियर है कि जिस अर्थशास्त्र में हम व्यापक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं या विस्तृत या लार्ज यूनिट्स की स्टडी करते हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज डायमेंशंस रेफरिंग टू द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को कई सारे इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है, जिसमें एडवर्ड शैपिरो, बहुत ही फेमस इकोनॉमिक्स हैं ये शैपिरो। शैपिरो के अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि शैपिरो के अनुसार
समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एज अ होल का मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, जिसमें अध्ययन किया जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ एक्ले गार्डनर, एक्ले गार्डनर के अनुसार मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्स विद सच वेरिएबल्स एज द एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी विद द एक्सटेंट टू विच इट्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड विद द साइज ऑफ नेशनल इनकम एंड विद द जनरल प्राइस लेवल। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन सब वेरिएबल्स यानी कि उन सब वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, उन सब चरों का अध्ययन करते हैं। वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं चर। तो उन सब वेरिएबल्स की हम स्टडी करते हैं जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं। जैसे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। सामान्य कीमत स्तर, अगर किसी एक वस्तु की कीमत का अध्ययन करना है, किसी इंडिविजुअल कॉमोडिटी के प्राइस की स्टडी करनी है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाएगी। लेकिन यदि आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विद्यमान वस्तुओं की कीमत के स्तर का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो मैक्रो में किया जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं? मैक्रो में। जैसे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसका अध्ययन भी हम मैक्रो में करते हैं। इसी प्रकार पूरे देश की इनकम के बारे में अगर स्टडी करनी है, नेशनल इनकम, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाएगी। अगर आपने सभी वस्तुओं की, जितनी भी देश में वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उन सभी के कीमत स्तर का अध्ययन करना है तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो इस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा किससे डील करता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाइयों से। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील्स विद होल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू एम एच स्पेंसर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इट। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था और उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बेरोजगारी की समस्या, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति की दर, नेशंस टोटल आउटपुट, पूरे राष्ट्र का कुल उत्पादन और कई इकोनॉमिक्स रिलेटेड जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर, ये सभी चीजें, गरीबी, जनता का जीवन स्तर, ये सारी चीजों का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो इस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसका? एग्रीगेट्स का, समग्र का, सामूहिक इकाइयों का, जिसके अंतर्गत आप टोटल डिमांड यानी कि सब लोगों की डिमांड को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, जिसे सामूहिक मांग कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें अध्ययन करते हैं एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र या सामूहिक पूर्ति, टोटल सेविंग कुल बचत, टोटल इन्वेस्टमेंट कुल निवेश, और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का स्तर। और ये थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ इसमें हम स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन और पॉवर्टी और हायर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री पीपल, ये सारे के सारे इश्यूज, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज माने जाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स बट ओनली एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, कुल बचत, कुल निवेश, आय व रोजगार का स्तर आदि, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ऑफ कोर्स, बट इट डज नॉट एक्सक्लूड द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स रिलेटिंग टू कंसर्न्ड इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऑफ कोर्स व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन हम इसमें ये नहीं कि इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स की, क्योंकि किसी एक चीज के बारे में जानकर आप और सब के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी एक वस्तु की कीमत आपको पता है, अगर एक किलो चीनी का दाम आपको पता है कि 1 kg शुगर का प्राइस क्या है, तो आप 10 kg शुगर का भी पता लगा सकते हैं कि आपको अगर 10 kg शुगर बाय करनी है तो व्हाट अमाउंट यू हैव टू पे, आपको क्या अमाउंट पे करना होगा। जैसे ज्यादा का पता हो तो हम किसी एक के बारे में पता लगा सकते हैं, और अगर एक के बारे में पता हो
तो हम ज्यादा इकाइयों का भी पता लगा सकते हैं। देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, बट इट बोथ हैव सम डिफरेंसेस आल्सो। लेकिन दोनों के बीच में अंतर भी पाया जाता है कि माइक्रो किसी एक इकाई का अध्ययन करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल सेलर, प्राइस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी एटसेट्रा। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और इट स्टडीज और डील्स विद होल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। ये हम सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये तो मैंने आपको सिंपल बताया कि डेफिनेशन दी है कि आखिर माइक्रो और मैक्रो में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी मे स्टडी डिमांड एंड सप्लाई रिलेटिंग टू टेक्स्ट बुक्स इन इकोनॉमिक्स व्हाइल द स्टडी इज कन्फाइंड टू द मार्केट फॉर टेक्स्ट बुक्स इन इकोनॉमिक्स ओनली। इट डज इन्वॉल्व एग्रीगेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका अर्थ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं सिर्फ डिमांड की, सप्लाई की, क्योंकि उसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, टोटल डिमांड या टोटल सप्लाई की स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, टोटैलिटी की स्टडी करता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। इसमें साइलेंट क्या है, डिफरेंसेस हैं, साइलेंट पॉइंट्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हम किस बिहाफ पर माइक्रो और मैक्रो को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है ये असली में क्या बताता है कि भाई किसमें हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं या स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं और किसके अंतर्गत हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं या होल की स्टडी करते हैं। उसके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज माइक्रो एंड विच वन इज मैक्रो। तो देयर इज डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक इशूज की विच इज रिलेटिंग टू अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट लाइक अ स्मॉल फर्म और इंडस्ट्री और इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक इशूज जो किससे रिलेटेड होते हैं, ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण औद्योगिक इकाइयों के बारे में यदि आप स्टडी करते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट है फोकस ऑफ स्टडी। फोकस यानी कि हम माइक्रो में किस चीज का फोकस करते हैं और मैक्रो में हमारा मेन फोकस क्या होता है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेनली फोकसेस करते हैं ऑन द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिद्धांत के अध्ययन करते हैं, प्रॉब्लम्स कि हमारी आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और पॉलिसीज की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरीके से किया जाए ताकि अनलिमिटेड वांट हमारी सेटिस्फाई हो सके। तो इसके अंतर्गत एक तरीके से देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, साधनों के आवंटन की समस्या से ये संबंधित है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है ऑन द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। देखिए दोनों में फोकसेस किस पर कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। बट द डिफरेंस इज कि माइक्रो में हम प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज जो रिलेटेड किससे होती हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों के कुशल आवंटन से जो संबंधित है उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम फोकस करते हैं प्रिंसिपल्स पर, प्रॉब्लम्स पर एंड पॉलिसीज पर, बट वो किससे रिलेटेड होती है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से या फिर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज से। तो इस प्रकार दोनों का जो फोकस ऑफ स्टडी है वो डिफरेंट है। दैट्स वाई वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी कि दोनों के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि माइक्रो में हम किन किन एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हैं जिसके हम स्टडी करते हैं और मैक्रो में हम कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसके हम स्टडी करते हैं। तो देखिए बेसिक पैरामीटर जो है माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस का वो पॉइंट आउट किया गया है
कि वाइल द प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्राइस, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है, इनकम। ठीक है, तो इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें हम स्टडी करते हैं जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सब की, जिसका मेन मकसद क्या होता है कि किस तरीके से बाजार में कीमत का निर्धारण किया जाए। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट मार्केट्स, आइदर इट मे बी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड, यानी कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट जो है मैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, प्राइस लेवल की। ठीक है, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इनकम लेवल की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजंस जो कि रिगार्डिंग होते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग, इन सब से रिलेटेड हम मेनली किस पर बेस्ड होते हैं सारे डिसीजंस, इनकम पे। देखिए, इनकम होगी तभी तो हम कंजम्पशन कर पाएंगे, क्योंकि कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ इनकम। कंजम्पशन का मतलब होता है चीज़ों का उपभोग करना, और इंसान चीज़ों का उपभोग तभी कर सकता है जब उसके पास आय हो। आय का स्तर जितना अधिक होगा, योर कंजम्पशन कैन इंक्रीज। इफ योर इनकम इज लोअर देन योर कंजम्पशन विल ऑल्सो लोअर। इट मीन्स आवर कंजम्पशन इज रिलेटेड विद नेशनल इनकम। इसी प्रकार एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ये भी किससे रिलेटेड है, नेशनल इनकम से। देश में जितना अधिक, देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी, उतना ही निवेश का स्तर भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय जितना कम होगी, निवेश का स्तर भी कम होगा। एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट सेविंग का मतलब होता है कि कुल बचत कितनी है। जितनी आय होगी उतनी ही आप बचत करने की क्षमता रखेंगे। आय का स्तर अगर कम होगा तो बचत का स्तर भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा बेसिक पैरामीटर है, जो मेन सब्जेक्ट मैटर हमारा जिससे रिलेटेड है, वो है इनकम, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट मैटर है वो है प्राइस। तो इस प्रकार दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टडी। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या मान के चलते हैं, हमेशा ये मान्यता मान के चलते हैं, आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में थियोरी ऑफ डिमांड, थियोरी ऑफ सप्लाई, जिसके अंतर्गत हम पहले ही मान लेते थे कि यदि अन्य बातें समान रहें, इफ अदर थिंग्स मीनिंग कॉन्स्टेंट, देन लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत और मांग के बीच में सदैव विपरीत संबंध पाया जाता है। इनकम प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, और प्राइस के कम होने पर डिमांड ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार थियोरी ऑफ सप्लाई में हम यह अज्यूम करते हैं कि इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यदि अन्य बातें समान रहें तो प्राइस और सप्लाई के बीच सदैव पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, सीधा संबंध पाया जाता है। हायर प्राइस, हायर विल बी द सप्लाई, लोअर प्राइस, लोअर विल बी द सप्लाई। तो इस प्रकार जो मेथड ऑफ स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करते समय या बनाते समय हम जो एज्यूम करते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें यदि समान रहें, उसी के आधार पर मांग का सिद्धांत बनता है, उसी के आधार पर थियोरी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का सिद्धांत बनता है। अदर फैक्टर्स हम मान के चलते हैं डिमांड में कि प्राइस के अलावा डिमांड को, यानी कि डिमांड किसी से ऐसा इन्वर्सली रिलेटेड नहीं होती, यानी कि देयर इज अ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इफ अदर थिंग्स, अदर थिंग्स मतलब हमारी मांग को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, हमारी इनकम प्रभावित कर सकती है हमारी डिमांड को, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, हैबिट्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारी चीज़ें प्रभावित जो कर सकती हैं, हम उसे क्या मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके के मेथड ऑफ स्टडी को हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक संतुलन विश्लेषण। तो इस प्रकार हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी का हमारा मेथड है, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यानी कि आंशिक संतुलन विश्लेषण पर आधारित होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेनली क्या लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, ये सब चीज़ें म्यूचुअल डिपेंडेंस हैं ऑफ दीज फैक्टर। ठीक है, इज द सेंट्रल स्टेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। क्वासी का मतलब होता है अर्थ, जनरल मतलब सामान्य, इक्विलिब्रियम संतुलन, एनालिसिस विश्लेषण। तो इस प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स में
हम अर्ध या सामान्य यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का अध्ययन करते हैं। इसका मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जबकि माइक्रो का मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, आंशिक संतुलन विश्लेषण। और मैक्रो का मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट है सेट ऑफ एजम्पशंस। दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस पॉइंट इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस। सेट ऑफ एजम्पशन का मतलब है माइक्रो और मैक्रो की जब हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो के अंतर्गत भी हमारी कुछ एजम्पशंस होती हैं, कुछ मान्यताओं को हम मान के चलते हैं। इसी प्रकार जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें भी हमारी कुछ मान्यताएं मानी जाती हैं। तो माइक्रो और मैक्रो बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ एजम्पशन, दोनों के अंतर्गत ही अलग अलग मान्यताओं को माना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज ऑफन अज्यूम्ड, अधिकतर ये माना जाता है कि दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में मान लीजिए पूर्ण रोजगार का स्तर पाया जाता है, टोटल आउटपुट एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर गिवन, ओके, ऑन द बेसिस अजम्पशन। इसके आधार पर हम साधनों का आवंटन करते हैं और उससे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को प्राप्त करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिसोर्सेज का एलोकेशन तो ऑप्टिमम होता ही है, ये तो हमारी अजम्पशन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन इट इज सॉट टू नो हाउ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड। इसमें मेनली हम ये मान के चलते हैं कि देश में साधनों का आवंटन तो कुशलता से हो ही रहा है, वो तो ऑप्टिमम है ही सही। हमारा मेन मकसद है फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना। किस प्रकार हम राष्ट्रीय संसाधनों के पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशन है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अजम्पशन में मेन क्या है? हम ये मान के चलते हैं कि साधनों का आवंटन कुशलता से हो रहा है, जबकि माइक्रो में हम ये मान के चलते हैं कि साधनों का आवंटन कुशलता से नहीं हो रहा, हमें उसे कुशलता से करना है, लेकिन हमारी अजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कंट्री में है। जबकि मैक्रो में हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट को हमें अचीव करना है और अजम्पशन है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इस प्रकार दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि माइक्रो के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की तो मान्यता हम मान के चल रहे हैं, लेकिन साधनों के आवंटन की समस्या को हमें स्टडी करना है कि साधनों का आवंटन कैसे किया जा रहा है। और अगर पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा तभी तो तीन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, लाइक सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मान के चलते हैं कि साधनों का आवंटन तो कुशलता से हो ही रहा है, हमें मेनली क्या अचीव करना है? पूर्ण रोजगार के स्तर को, और ये देखना है कि वो स्तर कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद देखिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस के साथ साथ हम कुछ पैराडॉक्स भी बता सकते हैं। पैराडॉक्स का मतलब है कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में विरोधाभास पाया जाता है। कुछ चीजें माइक्रो लेवल पर सही हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर वो सही नहीं होती। अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी काम को आप करते हैं तो वो उचित माना जाता है, सही माना जाता है, लेकिन यदि संपूर्ण या समष्टि स्तर पर उस कार्य को देखा जाए तो वो गलत माना जाता है या उसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति बैंक से अपना पैसा विड्रॉ कर ले तो बैंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक फेल नहीं होगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम ऑल द डिपॉजिटर्स और या ऑल द सेवर्स जिन्होंने अपना पैसा सेव कर रखा है बैंक में, यदि एट अ टाइम सारे के सारे सेविंग वाले पर्सन अपना मनी विड्रॉल कर लें बैंक से, तो बैंक फेल हो जाएगा। यानी कि माइक्रो लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर किसी एक व्यक्ति का बैंक से मनी को विड्रॉ करना बैंक को मतलब फेल करने के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता, यानी कि उसके लिए बैंक बिल्कुल भी यानी कि फेल नहीं होगा। बैंक के पास इतना फंड होता है सफिशिएंट, अगर कोई एक व्यक्ति बैंक से पैसा निकालता है तो बैंक को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि सारे के सारे डिपॉजिटर्स, सारे जमाकर्ता एक ही समय पर बैंक से सारा पैसा विड्रॉ कर लें, तो सारे डिपॉजिटर्स ही अगर अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर लेंगे तो बैंक का बिजनेस फेल हो जाएगा और वो सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि माइक्रो लेवल पर बैंक से मनी को विड्रॉल करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैक्रो लेवल पर यदि आप मनी को विड्रॉ करते हैं तो दैट इज बैड, इससे तो बैंक फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार केन्स ने ये कहा था कि यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो वो गुड है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा बचत किया जाना देश के लिए अच्छा होता है। कैसे? एक व्यक्ति अगर बचत करता है, सेविंग करता है अपनी इनकम से, तो उसकी क्या होगा, सेविंग करने से उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर सारे देश की जनता बचत करना आरंभ कर दे
तो ऐसे में कुल इनकम का जो लेवल है, टोटल इनकम का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और सेविंग अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इन फ्यूचर कम हो जाएगी। देखिए कैसे ये ऐसा होता है, जैसे अगर कोई एक व्यक्ति बचत करता है तो इसका मतलब है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाएगा, लेकिन अगर सारी दुनिया ही बचत करने लग जाए तो हु विल स्पेंड, खर्च कौन करेगा? आप जानते हैं कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज एनदर पर्सन इनकम, एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय होता है। तो इस प्रकार यदि सारे के सारे देश की जनता पैसा जोड़ने में लग जाए या सारा ही पैसा सेव करने लग जाए तो खर्च कौन करेगा? खर्च मीन्स अगर कोई पैसा खर्च ही नहीं करेगा, इट मीन्स वो डिमांड नहीं कर रहा है, क्योंकि सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ अवर मनी इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और कंजम्पशन। बचत हमारी आय का वो हिस्सा होता है जिसे हम उपभोग पर व्यय ना करके बचा लेते हैं। तो इस प्रकार यदि अगर सभी व्यक्ति अपनी आय का ज्यादा हिस्सा बचाने में लग जाएंगे तो खर्च कम हो जाएगा, और खर्च कम होगा तो दूसरे व्यक्ति की इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्च दूसरे की आय होता है, दूसरे के द्वारा किया गया खर्च तीसरे की आय होता है। वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, इफ ऑल कंट्री पीपल स्पेंड मनी देन अदर पर्सन इनकम विल इंक्रीज एंड देयर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। इस तरीके से परचेजिंग पावर अगर बढ़ती है तो आपकी डिमांड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और डिमांड करने की कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलेगा, वो मोटिवेट होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम से आपकी सेविंग करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार अगर सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो वो इकोनॉमी के लिए बैड है। माइक्रो लेवल पर सेविंग करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि मैक्रो लेवल पर या होल सोसाइटी बिगिंस टू सेव मोर देन बिफोर, इट विल रिजल्ट इनटू फॉल इनटू कंजम्पशन, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, फॉल इन एग्रीगेट सप्लाई एंड फॉल इन नेशनल इनकम। दस मोर सेविंग मे बी डिजास्ट्रस फॉर द एंटायर सोसाइटी। इस प्रकार यदि अधिक सेविंग की जाती है समस्त देश के जनता के द्वारा तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, माइक्रो लेवल पर सेविंग गुड है बट मैक्रो लेवल पर सेविंग का करना बैड है, इसे कहते हैं पैराडॉक्स। जब कोई चीज एक स्तर पर उचित होती है पर अदर एस्पेक्ट से देखें तो वो बैड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इफ वन इंडिविजुअल विड्रॉल्स ऑल हिज फंड्स लाइंग इन द बैंक, यदि कोई एक व्यक्तिगत पर्सन या एक व्यक्ति बैंक में जो उसकी जमा है पूंजी वो सारी विड्रॉ कर लेता है तो इट विल कॉज नो हार्म, तो बैंक की सेहत पर इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैंक के ऊपर कोई असर नहीं होगा। बट इफ ऑल द डिपॉजिटर्स विड्रॉ फुल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट मनी, लेकिन यदि सारे डिपॉजिटर्स बैंक से अपनी मनी को विड्रॉ कर लें तो बैंक तो फेल हो जाएगा। तो इस प्रकार माइक्रो लेवल पर बैंक से पैसा निकलवाना जो है वो हार्मफुल नहीं है बैंक के लिए, लेकिन यदि मैक्रो लेवल पर सारे डिपॉजिटर्स एक ही समय में बैंक से पैसा निकलवा लेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये भी पैराडॉक्स है। तीसरा एग्जाम्पल इसका दिया गया है, अ लेबर लेबरर कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट बाय एक्सेप्टिंग लोअर मनी वेज, बट इफ ऑल द लेबरर्स गेट लोअर वेज रेट तो देयर इनकम विल फॉल। देखो एक व्यक्ति नौकरी पाने के लिए कम मजदूरी की दर पर भी काम करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन यदि सारे के सारे श्रमिक कम मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाए तो देश में सब लोगों का इनकम लेवल क्या होगा, गिर जाएगा। इनकम गिरने से उनकी डिमांड करने की पावर कम होगी, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल एंड टोटल प्रोडक्शन, जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, तो प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली फॉल हो जाएगा। कंसिक्वेंटली जब प्रोडक्शन फॉल हुआ तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार माइक्रो लेवल पर किसी श्रमिक का कम मजदूरी दर पर काम करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो संपूर्ण अगर श्रम शक्ति कम मजदूरी पर कार्य करती है तो उनकी आय कम हो जाएगी, इनकम कम होने से उनकी डिमांड करने की पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन
फॉल हो जाएगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर चीज किसके लिए बनाएगा, प्रोडक्शन फॉल हो जाएगा, प्रोडक्शन फॉल होने से एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट से फिर इनकम लेवल कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें एक माइक्रो लेवल पर या एक एस्पेक्ट से तो गुड है लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से वो बैड है। तो माइक्रो लेवल पर पैसा जोड़ना बुरा नहीं है, मैक्रो लेवल पर बुरा है। माइक्रो लेवल पर बैंक से पैसा विड्रॉ करना बुरा नहीं है, पर मैक्रो लेवल पर विड्रॉल बैंक को फेल कर देता है। माइक्रो लेवल पर एक लेबर का कम वेज पर काम करना बुरा नहीं है, लेकिन मैक्रो लेवल पर सारे ही लेबर को कम वेज रेट का मिलना पूरे देश के इनकम को गिरा देता है। तो इसे कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे माइक्रो लेवल पर आप एक पेड़ काटें नहीं बढ़ेगा, लेकिन डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए, यदि संपूर्ण वनों को समाप्त कर दिया जाए या सभी वनों को काट दिया जाए, तो इससे तो डिफॉरेस्टेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो माइक्रो लेवल पर जो है कुछ चीज़ें सही होती हैं, लेकिन समष्टि स्तर पर या मैक्रो स्तर पर वो सही नहीं होती। तो इसी को कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि व्यष्टि और समष्टि में विरोधाभास। नेक्स्ट, प्रोफेसर बॉल्डिंग हैज ड्रिवन होम द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। बॉल्डिंग ने डिफरेंस बताया था माइक्रो और मैक्रो के बीच में। उन्होंने ये कहा था कि भाई माइक्रो जो है, जैसे आप इसमें भी उन्होंने भी एग्जांपल दिया ट्री का, जैसे डिफरेंस बिटवीन अ ट्री एंड अ फॉरेस्ट, इंडिविजुअल ट्री में डाई बट अ फॉरेस्ट गोज ऑन फॉर एवर। एक इंडिविजुअल पेड़ जो है वो नष्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है या डाई हो सकता है, मर सकता है, लेकिन जंगल पूरा का पूरा तो एकदम विनाश उसका नहीं हो सकता। इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न अ ट्री बट फॉरेस्ट आर सब्जेक्ट टू फायर क्विकली। इसी प्रकार वो कहते हैं कि एक पेड़ को जो है जलाना मुश्किल है, लेकिन एक पेड़ अगर आग पकड़ ले तो पूरा का पूरा जंगल बड़ी जल्दी से आग पकड़ के ख़त्म हो जाता है। तो इंडिविजुअल ट्री हैज़ नो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ द नेबरहुड बट अ फॉरेस्ट डज अफेक्ट द क्लाइमेट। जैसे मैंने आपको कहा कि एक पेड़ के काटने से क्लाइमेट पर इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारा का सारा आपने फॉरेस्ट ही कट कर दिया तो उससे क्लाइमेट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें माइक्रो लेवल पर उचित होती हैं लेकिन मैक्रो लेवल पर उचित नहीं होती हैं। इसी को हम कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इसमें देखिए आपका आता है व्हाट डू वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते क्या हैं, हमारा मेन मकसद क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए हम स्टडी करेंगे थियोरी ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के सिद्धांत का, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मैथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। यानी कि नेशनल इनकम सिद्धांत, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम रोजगार और बेरोजगारी की समस्या का भी अध्ययन करते हैं। इट स्टडीज डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत हम कई प्रकार के जो है कारकों का अध्ययन करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के स्तर को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग एटसेट्रा। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम आल्सो स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ आपके आएंगे आगे, थ्योरी ऑफ मनी का भी अध्ययन किस में किया जाता है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। देखिए थ्योरी ऑफ मनी होता है मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा क्या है, मुद्रा की डिमांड कौन करता है, या मनी किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है। इसके अंतर्गत बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो स्टडीड इन दिस कंटेक्स्ट। इस कंटेक्स्ट में हम बैंकिंग और जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, यानी कि सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। क्योंकि आपको पता है पार्शियल जो प्राइस होता है, जनरल प्राइस पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट द जनरल प्राइस लेवल और जनरल इक्विलिब्रियम इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम समस्त
उत्पादित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण का अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अवर इकोनॉमी, दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसे कहते हैं थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। द डिटरमिनेशन ऑफ चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर द मेन इशू या कोर इशूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपको ये बताता है कि हमारे देश में आर्थिक विकास कैसे बढ़ाया जा सकता है, देश का आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नति या आर्थिक समृद्धि की दर, क्योंकि आप जानते हैं कि हर देश का मुख्य लक्ष्य होता है अधिक से अधिक विकास की दर को प्राप्त करना। हर कंट्री चाहती है कि तेजी से अपने देश का विकास करे और अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाए। इवन डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी ये नहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज विकास करना बंद कर देती हैं, वो आगे फर्दर और डेवलपमेंट करती रहती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टडी करना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्पेसिफिकली इट स्टडीज द ग्रोथ प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल्सो स्टडीड देयर इन। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आर्थिक समृद्धि का भी अध्ययन करते हैं और किस प्रकार अपने देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती रहे और जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की मुख्य समस्याएं हैं, देश का अल्प विकास, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और किस प्रकार हमारे देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, इन सब का भी अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का भी अध्ययन किसने करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज। थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ्स, प्रोटेक्शन एटसेट्रा आर द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है का सिद्धांत है। टैरिफ, टैरिफ होता है जो टैक्स लगता है इम्पोर्ट पर, उसे टैरिफ कहते हैं। और प्रोटेक्शन, अपनी कंट्री के जो उद्योगों को संरक्षित करने के लिए सरकार जो नीति बनाती है उसे प्रोटेक्शन पॉलिसी कहते हैं। इन सब का बहुत ही महत्व है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। नाउ दिस नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समटाइम्स इन योर क्वेश्चन पेपर दे आस्क मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशूज कि व्हाट आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशूज। समष्टि के आर्थिक मुद्दे क्या होते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र में हम मुख्य किन किन मुद्दों की स्टडी करते हैं या कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी स्टडी स्पेसिफिकली किसमें की जाती है? ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये सम कुछ मेजर आपके मैक्रो इकोनॉमिक इशूज हैं जिसे आपको पढ़ना है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आपका पॉइंट आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द की पैरामीटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ये क्या होते हैं? की पैरामीटर्स। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समृद्धि, ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं समृद्धि और डेवलपमेंट को कहते हैं विकास। तो समृद्धि और विकास ये समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे हैं। आज की डेट में ईच एंड एवरी कंट्रीज ग्लोबलाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड मतलब वैश्वीकरण के दौर में जहाँ हर देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ता जा रहा है, वी आर इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इंटीग्रेट हो रही है, यानी कि जुड़ती जा रही है डिफरेंट कंट्रीज के साथ या शेष विश्व के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ऐसे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज इमर्ज्ड एज अ फोकस एरिया स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, हर कंट्री है कि अपने देश का आर्थिक विकास तेजी से करे और आर्थिक विकास अगर हमारे देश का तेजी से होगा तभी हमारे देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन स्तर सुधरेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। ग्रोथ को हम मस्ट बी ट्रांसलेटेड, हमें ग्रोथ को किस में ट्रांसफर करना चाहिए, ट्रांसलेट करना चाहिए डेवलपमेंट में। देखिए, क्योंकि ऐसा है, अमीर और गरीब देशों के बीच में भी या अमीर और गरीब वर्ग के बीच में भी हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। आप जानते हैं समाज दो वर्गों में बटा होता है, एक रिच और एक पुअर। रिच बिकम्स मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स मोर पुअरर। ऐसे में इस गल्फ को या इस कॉन्फ्लिक्ट को हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब हम अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव कर लें। जब देश का विकास अधिक तेजी से होगा तो देश में कोई भी व्यक्ति अधिक गरीब नहीं होगा
और सभी लोगों का जीवन स्तर अच्छे से सुधरेगा और जब सभी लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड या लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा तो कंट्री ऑटोमेटिकली क्या कर लेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर लेगी। इसका ग्रोथ मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू डेवलपमेंट और जो गैप है उसे कम से कम करना चाहिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक, आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम आर्थिक विकास तो तेजी से करने के लिए चाह रखते हैं जिसके लिए हमारे देश में उद्योगों को भी जाता है, साथ ही साथ प्रदूषण या वातावरण प्रदूषित बहुत अधिक हो रहा है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण या एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी एक्सेसिव हो रहा है और वो भी ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जिन्हें दोबारा हम नहीं बना सकते, जिन्हें बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे में हम के टारगेट को तो फोकस करते हैं कि हमें ग्रोथ को अचीव करना है, डेवलपमेंट को अचीव करना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भूल जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है धारणीय विकास, जिसके अंतर्गत हमें अपने रिसोर्सेज का, हमें अपने साधनों का सरकार से करना है ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी वो सभी सुख सुविधाएं और चीजें प्राप्त हो सकें जो कि वर्तमान पीढ़ी को मिल रही हैं। तो इस प्रकार ग्रोथ और डेवलपमेंट ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधार कर हम देश का आर्थिक विकास या समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम टोटैलिटी में स्टडी करते हैं, तो ये सपाव इकोनॉमिक्स। दूसरा मेन इशू इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट का। आप जानते हैं रोजगार की जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे रोजगार हो, जो भी व्यक्ति रोजगार यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर अर्निंग और सर्वाइविंग देयर लाइफ स्टाइल, तो एम्प्लॉयमेंट इज वेरी नेसेसरी। और एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए किसी एक व्यक्ति को हम अगर काम दे दें, माइक्रो लेवल पर इसकी स्टडी नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को रोजगार देने से देश में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होता है। सभी लोगों के लिए सरकार रोजगार प्रोवाइड कराएगी तभी ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 1930s के टाइम पर वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया था, समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, यूके और यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया था कि वहां के कंट्री पीपल नियर अबाउट 17-20% पीपल बेरोजगार हो गए थे। ऐसे टाइम पर उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए और कंट्री को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए जे एम केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करी और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का सिद्धांत दिया। उन्होंने 1936 में अपनी बुक पब्लिश की थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें केन्स ने एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ला सकते हैं और किस प्रकार डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, इस चीज को उन्होंने डीपली बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जिसकी वजह से यूएसए और यूके जैसे देशों में विद्यमान बेरोजगारी की समस्या और अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति को भी रिमूव किया जा सका। इसलिए कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जे एम केन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ग्रेट है, या उनके अगर उनको फादर भी कहा जाए कि हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जे एम केन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज जे एम केन्स गिव वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन विच वॉज एग्जिस्ट इन और प्रिवेलेंट इन 1930s। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं ताकि सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को सरकार प्रदान करके उन्हें बेरोजगारी से मुक्त कर सके और देश की लिविंग स्टैंडर्ड को और इनकम लेवल को बढ़ा सके। नेक्स्ट इशू आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल्स को हम कहते हैं व्यापार चक्र। आप जानते हैं बिजनेस में अप डाउन आता ही रहता है, कभी बिजनेस में अप आता है, कभी बिजनेस में डाउन आता है, तो पूरी इकोनॉमी में या पूरे होल वर्ल्ड में बिजनेस साइकिल एक तरीके से क्या कहा जाता है कि बिजनेस साइकिल्स आर वेव लाइक फ्लक्चुएशन, जैसे समुद्र में लहरें कभी उठती हैं कभी गिरती हैं, इसी प्रकार बिजनेस में उतार और चढ़ाव आता ही रहता है। बिजनेस की जो साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स की स्टेजेस को चार भागों में बांटा गया है। एक बूम, बूम को कहते हैं तेजी की स्थिति जब प्रॉफिट्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक होता है रिसेशन, रिसेशन में बिजनेस में डाउन आने लग स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन, जब काफी लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं होते या प्रॉफिट्स घटने लगते हैं तो डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है।
फिर रिकवरी की जाती है, रिकवरी मतलब फिर से हम उस स्थिति से बाहर आते हैं, फिर बूम आता है, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन। देन रिकवरी होती है। तो इस प्रकार बिजनेस में अप डाउन आता ही रहता है, कभी तेजी और कभी मंदी का स्तर आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें है बिजनेस साइकिल्स को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल एक तरीके से क्या होते हैं, वेव लाइक फ्लक्चुएशंस होते हैं। बिजनेस साइकिल्स आर वेव लाइक फ्लक्चुएशंस। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की स्टडी भी हम किसमें करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हम कहते हैं महंगाई, जब देश में काफी लंबे समय तक कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है, जब लगातार कीमत स्तर में तेजी से वृद्धि होती है और परसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली प्राइस लेवल बढ़ता है तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन प्राइस के बढ़ने की स्थिति को बताता है। तो कीमत किसी एक वस्तु की नहीं बढ़ती, बल्कि अगर एक चीज का जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो उससे हर चीज का प्राइस अब ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी एक वस्तु की कीमत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वो माइक्रो का पार्ट है, लेकिन अगर आप पूरे देश में या पूरी अर्थव्यवस्था में विद्यमान समस्त वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन की स्टडी भी करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमत स्तर का बढ़ना, और आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में तो कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि ही रहती है। सिर्फ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 से 56 का टाइम ऐसा था जब हमारे देश में कीमत स्तर में वृद्धि की जगह कमी आई थी, उसके बाद से तो हमारे देश में लगातार प्राइस लेवल बढ़ता ही रहा और आज भी इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। इसलिए कीमतों को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का जो है वो काम बनता है। गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, माइक्रो का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बजटरी डेफिशिट। आप देखिए बजट कौन बनाता है, बजट बनाती है सरकार। सरकार जो बजट बनाती है उसके अंतर्गत सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यूज का हिसाब देखती है। जब सरकार के खर्चे होते हैं ज़्यादा, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होता है, पब्लिक रेवेन्यू कम होता है, तो बजट में घाटा आ जाता है, बजट डेफिशिएट हो जाता है। इस बजट के डेफिशिएट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनी इशू करती है, आरबीआई से नोट छापने को कहती है या गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती है रिगार्डिंग बजट या बजटरी डेफिशिएट को कंपनसेट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति, जो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में बजट के घाटे को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार टैक्स से रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करेगी घाटे को पूरा करने के लिए, और एक्सपेंडिचर्स कम करेगी, खर्चे अपने कम करेगी, ताकि वो इस घाटे को पूरा कर सके और अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चला सके। तो ये भी पूरी होल इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए ये भी मैक्रो का ही पार्ट है, माइक्रो का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरेस्ट रेट। आप जानते हैं जो बैंक ब्याज की दर का निर्धारण करता है, तो ब्याज की दर किसी एक व्यक्तिगत बैंक की ब्याज की दर नहीं होती, ये आरबीआई निर्धारित करता है जो कि सभी बैंकों को माननी पड़ती है। तो आरबीआई आप जानते हैं देश का एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, और आरबीआई के द्वारा जो ब्याज की दर का निर्धारण या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स किया जाता है उसको सभी जो है वो टेक ओवर करते हैं, यानी कि सभी बैंक उसी ब्याज की दर को स्वीकार करते हैं जो रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये भी सभी बैंकों के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो लागू की जाती है वो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर जो भी वो ब्याज की दर का निर्धारण करता है अन्य बैंक उसी को मानते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी पूरी यानी कि होल बैंकिंग सिस्टम पर अप्लाई हो रहा है, किसी एक इंडिविजुअल बैंक से रिलेटेड नहीं है। तो जब ये किसी एक व्यक्तिगत बैंक से संबंधित नहीं है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट नहीं है, बल्कि किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसलिए इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में, जिसकी वजह से समष्टि अर्थशास्त्र का एक मुख्य मुद्दा माना जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो है वो ब्याज की दरों को नियंत्रित करती है, और कंट्री में अगर इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो दोनों ही सिचुएशंस को कंट्रोल करने का काम आरबीआई कर सकता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव उसके दो मेन मेजर्स होते हैं, दो टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से वो कीमतों को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स टारगेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स।
अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टारगेट क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज तो आपने पढ़े, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसका मेन इशू, बिजनेस साइकिल्स है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, बजटरी डेफिशिएट एंड फिस्कल पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के टारगेट्स क्या हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टारगेट होता है कि भाई कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्राप्त करना, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाना, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना, आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये सारे क्या माने जाते हैं, मुख्य टारगेट या मुख्य इश्यूज माने जाते हैं। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन करता है, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की ड्यूटी बन जाती है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये एक तरीके से एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सजेशंस देना, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस ऐसे लेना जिससे कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के टारगेट को प्राप्त किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के टारगेट को भी प्राप्त किया जा सके। और साथ ही साथ हमारे देश में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाई जाती है। ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अंतर्गत इन मतलब जो ये टारगेट्स रखती है उन टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमें दो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो है एक फिस्कल पॉलिसी जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं और एक मॉनेटरी पॉलिसी जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ये पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट आर द मेजर इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, के समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे आप जानते हैं कि हर चीज के मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं, इसी प्रकार लाइक एनी अदर सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी टू हैज इट्स लिमिटेशंस, इसकी कुछ कमियां भी हैं। एक फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है सिंपल कंपोजिशन पर, ठीक है, तो कई बार फैलेसी का मतलब होता है कि भ्रमात्मक स्थिति का उत्पन्न होना, तो कई बार भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, द टेंडेंसी ऑफ एक्सेसिव जर्नलाइजेशन, क्योंकि इसमें हम सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं, जर्नल आस्पेक्ट से बात करते हैं, तो जिसकी वजह से जरूरी नहीं कि वो अप्लाई हो जाए इंडिविजुअल्स पर, यानी कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर आप होल की स्टडी करना चाहते हो या होल के एक्सपीरियंस को देखते हुए किसी एक पर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि ऐसा पॉसिबल हो जाए। अगर आप कहें कि सभी लोग इंटेलिजेंट हैं तो किसी एक को भी माने तो सभी जब इंटेलिजेंट है तो वो एक भी होगा ही, या परिवार के सभी लोग समझदार हैं तो उस परिवार का एक अकेला व्यक्ति भी समझदार ही होगा, ऐसा कहना कुछ जो है ये फैलेसी है, यानी कि भ्रमात्मक स्थिति है, एक्यूरेसी नहीं है। दूसरी बात है हेट्रोजीनियस यूनिट्स, जब यूनिट्स हेट्रोजीनियस होती हैं, अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, तो ऐसे में भी आप एग्रीगेट्स की स्टडी करना टफ हो जाता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एम्बेरसेस इन इट्स फोल्ड वेरियस हेट्रोजीनियस यूनिट्स, दीज यूनिट्स मेजर्ड इन डिफरेंट वेज, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस दीज यूनिट्स इन यूनिफॉर्म नंबर्स और होमोजीनियस नंबर, जैसे 6 एप्पल्स प्लस 7 एप्पल्स इज इक्वल टू 13 एप्पल्स, इट इज मीनिंगफुल एग्रीगेट, ये तो आपने एग्रीगेट किया, लेकिन अगर 6 एप्पल में 7 ऑरेंजेस ऐड करोगे तो 13 फ्रूट्स आए, ये भी मीनिंगफुल एग्रीगेट है, लेकिन 6 एप्पल में अगर 7 हाउसेस आपने ऐड कर दिए तो व्हाट इज दिस, इसमें एप्पल के साथ हाउसेस का क्या मेल है, नहीं, लेकिन टोटल करने पर तो क्या आएगा, 13 ही आएगा, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो ये मीनिंगलेस एग्रीगेट है। तो इस प्रकार हेट्रोजीनियस अगर यूनिट्स हों तो टोटल करने पर हमें मीनिंगलेस रिजल्ट प्राप्त होता है। तीसरी बात है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीगेट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एग्रीगेट इटसेल्फ। एग्रीगेट के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ये स्ट्रक्चर है। तो कह रहे कंपोजिशन और एग्रीगेट स्ट्रक्चर की स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय सिर्फ टोटैलिटी की। खाली सिर्फ टोटल टोटल को आप कहते रहे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ टोटैलिटी का अध्ययन करते हैं तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि टोटैलिटी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम किस चीज की टोटैलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। हम देश में समस्त लोगों के द्वारा की जाने वाली मांग को अध्ययन कर रहे हैं, या सामूहिक पूर्ति का अध्ययन कर रहे हैं, या समस्त बचत के स्तर का अध्ययन कर रहे हैं, या कुल निवेश का अध्ययन कर रहे हैं, तो मीनिंगफुल है। अदरवाइज अगर आप सिंपल वैसे टोटैलिटी के बिहाफ पर स्टडी करते हैं तो वो मीनिंगलेस कहलाता है। नेक्स्ट है डाइवर्स इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स,
इसमें अनदर इसकी लिमिटेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, डज नॉट स्टडी डाइवर्स इफेक्ट, इसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रभावों का अध्ययन नहीं किया जाता है, मैक्रो पैरामीटर्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट्स ऑन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कीमतें अगर बढ़ती हैं तो बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव हर एक पर एक जैसा नहीं पड़ता, गरीब व्यक्ति पर कीमतों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, अमीर व्यक्तियों पर बढ़ी कीमतों का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता, और जो फिक्स्ड वेज अर्नर हैं उन पर कीमतों के बढ़ने का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि भाई डाइवर्स इफेक्ट जो पड़ रहा है वो आप टोटलिटी के हिसाब से ऐसा नहीं कह सकते कि बढ़ती कीमतों का इफेक्ट सब पर अच्छा पड़ता है या सब पर बुरा पड़ता है, जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि सब पर इफेक्ट अलग अलग पड़ रहा है, किसी पर अच्छा होता है किसी पर बुरा होता है, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कीमतों के बढ़ने का या घटने का। तो इस प्रकार ऐसी चीज़ों का अध्ययन मैक्रो में नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से इसकी कमी बताई गई है। नाउ इसके की पॉइंट जो आज आपने चैप्टर में किया है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपने को मैंने बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, इट स्टडीज द होल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स, एक ही बात है। माइक्रो और मैक्रो में आपको मैंने डिफरेंस बताया कि माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, मैक्रो होल की स्टडी करता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो के वेरिएबल्स होते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, देन थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में हम एज्यूम करते हैं कि ऑप्टिमम रिसोर्सेज का एलोकेशन तो हो ही रहा है, इसमें हम स्टडी करते हैं थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स एटसेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलाई करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर और मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलाई करता है क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर। नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत क्या है, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का क्या सिद्धांत है, थियरी ऑफ मनी, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं। और मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इशूज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर दिस टॉपिक, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ कौन से हैं, तो वो इशूज़ आपके हैं जैसे कि वो मेजर इश्यूज आपके कौन से हैं, जैसे कि आप इसमें पढ़ते हैं कि थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ इनकम, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल्स, इन्फ्लेशन, बजटरी डेफिशिएट एंड फिस्कल पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, इश्यूज लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस साइकिल्स, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक के मेन इश्यूज हैं। और ग्रोथ और डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस साइकिल टारगेट्स हैं, और इन टारगेट को पूरा करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस की, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाई डू वी नीड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्यों जरूरत पड़ती है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके मेजर इश्यूज क्या हैं, या माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या मैक्रो किस तरीके से माइक्रो से डिफरेंट है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरी इकोनॉमी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द पैराडॉक्स लाइज इन बिटवीन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। तो इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से कम समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही आज ये क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जी, थैंक यू।